हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बना रही हूँ कढ़ी, जिसके लिए मैं मसाले ऑलरेडी काट चुकी हूँ। ये प्याज है, ये लहसुन है, ये हरी मिर्ची, घी है, ये बेसन है, ये सूखे मसाले। तो कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैं लूँगी 3 कटोरी दही। दही आपकी बासी हो, 2-1 दिन ताज़ी ना हो, उसमें आपकी कढ़ी अच्छी नहीं बनेगी, टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। थोड़ी खट्टी होनी चाहिए आपकी दही। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 3 से 4 स्पून बेसन। मैं 4 स्पून बेसन लिए। अब मैं इन दोनों को अच्छे से मिक्स करूंगी। दही और बेसन को अच्छे से मिक्स करना है, इसमें गोले गोले नहीं बनने चाहिए, नहीं तो आपकी कढ़ी कच्ची रह जाएगी। ऐसे मिक्स करें जैसे मैं कर रही हूँ, अच्छे से। बेसन और दही अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसके लिए लूँगी एक कढ़ाई। कढ़ाई में डालूँगी थोड़ा सा घी। घी के साथ ऐड करूँगी मैं कुकिंग ऑयल थोड़ा सा। अब मैं इसको गर्म होने दूँगी। ऑयल गर्म हो गया है, मैं इसमें डालूँगी गरम मसाले, अदरक लहसुन का दरदरा पेस्ट। अब मैं इसमें डालूंगी प्याज। अब हम इन सबको अच्छे से पकने देंगे। अब मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्च। अब इन सबको अच्छे से पकने देंगे। अब मैं इसमें डालूंगी लाल पाउडर मिर्च, हल्दी, नमक। नमक आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डाल सकते हो, अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। अब इन सबको अच्छे से पकने देंगे। ये मेरे मसाले पक गए हैं। अब मैं इसमें मिक्स ऐड करूंगी दही और बेसन, जो मैं ऑलरेडी मिक्स कर चुकी थी। ये थोड़ा सा थिक है, तो इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी पानी। ये मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसको पकने छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। आप देख सकते हो कढ़ी में अच्छे से उबाल आ गया है, हाफ ये पक चुकी है। कढ़ी पक के रेडी हो गई है। आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर आ रहा है। मेरी कढ़ी पक के रेडी है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई होगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, जिससे कि आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम।